एक है चुगल गीत, एक है गोपी गीत, एक है वेणु गीत, ऐसे ही भागवत में पांच गीते हैं, पांच गति के भ्रमर गीते हैं। कहते रुक जाओ ए बच्चा, इसलिए कहते ये पांच गीतियों में एक गीत है जुगल गीत है, इसलिए ये राधा कुंड श्याम कुंड में जिस समय होली खेल रहे थे, होली खेलते समय वहाँ पर एक बलदेव प्रभु का पार्टी है, हैं कृष्ण बलदेव प्रभु अपना गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे, और जो कृष्ण है वो अपना गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे। ठीक उसी समय में ये शंखचूड़ दैत्य ने उसी समय आक्रमण किया था। गोपियों को सुंदरता को देख करके शंखचूड़ दैत्य ने गोपियों को गदड़ते हुए ले गए। उसी समय में ही कृष्ण जा करके ये शंखचूड़ दैत्य को उन्होंने वध किया था। इसलिए वर्णना करते हैं, अभी आप लोग बताओ तो हमारे भारत में आप लोग होली कितना दिन खेलते हो, बोलो। अरे बोलो हिंदी भाषी, एक दिन खेलते हैं। अभी पूरा भारत में होली का दिन ही, होली में ही, होली कब है, दोलो पूर्णिमा का दिन ही होली खेला हमारे भारत में एक दिन खेलते हैं। लेकिन अभी भी आप ब्रज में देखोगे ये होली छह महीना अभी भी ब्रज में खेला होता है। एक लठमार होली देखे हो, कौन कौन देखे हो लठमार होली, हम लोग देखना बरसाना में ये लठमार होली बरसाना में होती है, है? इसलिए कृष्ण का एक दल और राधा रानी की दल है वहां पर नंदगांव के, है कहते नंदगांव के, और बरसाने के जो गोपियां ना नंदगांव के लोग आकर इतना बड़ा क्या ढाल रखते हैं और गोपियां आकर दमादम मारते हैं, इसलिए लठमार होली है। ये हमारे वर्णन आता है गोपाल चंपू में, कहते ब्रज में ये होली नित्य है, ये ब्रज में होली नित्य, ब्रज में होली खेलते हैं। और होली में उसमें तीन तरह का जैसे गोपियां होती हैं, सपक्ष विपक्ष और तटस्थ, कहते ये तीन तरह का गोपियां हैं। लेकिन ये होली खेल ऐसे के आनंददायी है, ये होली खेल ऐसे, अभी आप लोग देखोगे होली खेल में ना वो उसी समय सपक्ष विपक्ष तटस्थ नहीं रहते हैं, उतने उसमें इतने आनंद है, सब गोपियां एक आनंद में सबके सब एक हो जाते हैं और एक बन करके सबके सब होली एक बन करके होली खेलते हैं। ये होली में इतने आनंद और होली में इतने रस है। तब कहते भैया ये होली खेल का विशेष महत्व क्या है, ये होली का रंग कैसे, गुलाल रंग है ना, ये गुलाल रंग क्या है, कहते ना आज बिरज में होली रे रसिया, ये जो होली है ये गुलाल रंग है क्या चीज, कहते जो गुलाल रंग है ये अनुराग का रंग है, ये अनुराग का रंग है। इसलिए हमारा देखो हमारे जो कपड़ा का रंग कैसे, देखो गुलाल रंग है, ये गुलाल रंग है। कहते राधा रानी की है, कहते राधा रानी की जो चुंदरी है ये गुलाल रंग की, जब राधा रानी नील रंग की लहंगा पहनती है उनको जो ऊपर का जो रंग है चुंदरी का रंग ये गुलाल रंग है। कहते गुलाल रंग मतलब क्या है, बोले अनुराग है। राधा रानी कृष्ण को ऊपर में, कृष्ण राधा रानी के ऊपर में गुलाल फेंकती है, वो गुलाल नहीं फेंक रही है, कहते ना उड़ा उड़त तो गुलाल लाल भय बादल है, उड़त तो गुलाल लाल भय बादल, इतने गुलाल फेंकते थे पूरा आकाश बादल एकदम गुलाल गुलाल रंग में, पूरा बादल गुलाल गुलाल रंग बन जाता था। इसलिए ये होली खेल का महत्व क्या है, विशेष तात्पर्य क्या है, के तात्पर्य है इताली में देखे महाराज है, कहते गुलाल रंग जब आकाश पूरा बादल बादल हो जाता है, एक तरफ में कृष्ण के सखा लोग, एक तरफ में कृष्ण के सखा लोग, और दूसरे तरफ में कौन है, श्री किशोर जी और इनकी सखियां हैं। दूसरे तरफ में जब होली खेल होता है इतने आकाश लाल लाल हो जाता है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। लेकिन कन्हैया तो नटखट है ना, है कन्हैया तो चतुर है, उस समय कन्हैया क्या करते हैं, अभी तो कोई दूसरे को दिख नहीं पा रहे, बस छुप करके गोपियों के अंदर में घुस जाते हैं और घुस करके श्री राधा रानी को आलिंगन करते हैं और राधा रानी को साथ में मिल करके पता नहीं कब घुसे और पता नहीं कब निकल कर आगे किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि इनकी जितने लीलाओं की मूल रहस्य है जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, ये गोपियों की सब कुछ का मूल उद्देश्य है राधा कृष्ण को कैसे मिलन कराएंगे, इसी में ही, इसलिए यहाँ पर कहते हैं
लेकिन वो स्वयं कृष्ण से मिलना नहीं चाहते हैं। श्री जुगल को जो मिलन कराते हैं, जब श्री राधा कृष्ण को जो आनंद होता है उससे करोड़ गुण ज्यादा आनंद ये मंजरियों को, ये सखियों को अनंत करोड़ गुण रूप में आनंद मिलता है। ये होली खेली की ये रहस्य है। इसलिए जो होली गुरुदेव कहते थे हम लोग ये वस्त्र क्यों पहनते हैं, कारण क्या? इसलिए गुरुदेव कहते थे जो बाबा जी लोग हैं वो कौन सा रंग पहनते? सफेद रंग का कपड़ा पहनते बाबा जी लोग। गुरुदेव कहते थे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे भैया सफेद रंग कौन पहनते? बोले विधवा। कौन पहनते हैं सफेद रंग? कौन पहनते हैं? ये विधवा लोग सफेद रंग पहनते हैं। लेकिन जो सधवा कौन सा रंग पहनते? लाल, नील, हल्दी, तरह तरह का रंग की ये सधवा लोग पहनते हैं। इसलिए ब्रज में भी, हाँ इसलिए ब्रज में आप देखना, ब्रज में विधवा होने का बाद, जैसे हमारा बंगाल ओडिशा उधर उधर विधवा होने के बाद सफेद कलर की कपड़ा पहनते, सफेद कलर की। लेकिन ये ब्रज में देखोगे विधवा होने का बाद में भी कोई सफेद रंग का साड़ी नहीं पहनते। बोले क्यों? ऊपर में सुपर शादी करने के लिए ऊपर से शादी किया, लेकिन तत्वतः असली पति कौन है? बोले कृष्ण है असली पति हमारी। कितना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो श्री गोपाल जुसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, श्याम सुंदर की दुलारी नहीं श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए गुरुदेव कहते भैया हम सधवा है विधवा नहीं, इसलिए हम लोग ये लाल रंग पहनते हैं। जो विधवा है वो सब के सब सफेद रंग पहनते बाबा जी लोग। इसलिए कभी कभी बाबा जी लोग हमारे गौड़ीय मठों को कभी कभी वो कटाक्ष करते हैं, हैं? कहते गोस्वामी लोगों ने ये तो सफेद पहने हैं, ये गौड़ीय मठ वाला लाल रंग कहाँ से ले आए, ये गौरी के वस्त्र क्यों पहनते हैं। इसलिए गुरुदेव ने जो प्रबद्ध पंचकम, गुरुदेव एक प्रबद्ध पंचकम गुरुदेव ने के ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ में बड़ा कड़क उन्होंने जवाब दिया है। बोले जितने आचार्य है रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क, इनके सारे कपड़ा कैसे है? सबके सब गौरी के वस्त्र है। इसलिए महाप्रभु कौन है? बोले कृष्ण साधु रूपे, हाँ साधु पावा बड़ कृष्ण जीवे रे जानिया, साधु कृष्ण रूपे आईला नदिया। इसलिए महाप्रभु क्यों कलिजुग में आए? इसलिए महाप्रभु कलिजुग में आए, जगत में साधु पाना बड़ा कठिन है कलिजुग में। इसलिए स्वयं भगवान एक साधु रूप लेकर के जीवों को शिक्षा देने के लिए नदिया में महाप्रभु आए। और महाप्रभु जब सन्यासी ग्रहण किया कौन सा रंग था बताओ? सन्यासी का रंग कैसे था? गुलाल रंग था महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु का समय में नौ सन्यासी थे, महाप्रभु का समय में वो नौ सन्यासी का रंग कैसे था? ये गुलाल रंग था। अभी अभी कुछ कुछ हमारे ब्रह्मचारी लोग ये लाल कपड़ा लेना नहीं चाहते, बोले लाल कपड़ा लेना नहीं चाहते, बोले हम सफेद कपड़ा में रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे क्यों? प्रभुपाद ने ये लाल कपड़ा क्यों दिए? ऐसे बहुत बड़ा के रहस्य है। कारण है ये सफेद कपड़ा पहनने पर, बहुत सारी बाबा जियों को मैं जानता हूँ, ये सफेद कपड़ा पहन के बाबा जी और माता जियों के साथ में रहते, और क्योंकि सफेद सफेद पहचान में नहीं आता ना, वो सफेद है। इसलिए सफेद होने का नाते हमने बड़े बड़े बाबा जी को जानता हूँ, जो बड़े बड़े जो नामी पंडित है वो सब माता जी को साथ में, एक नहीं कितने कितने माता जी को साथ में रहते हैं, क्योंकि उनको सफेद होने का नाते वो किसको साथ में मिल जाओ ना, जिस बाबा जी माता जी है। इसलिए जो कुछ करो किसको किसे पता नहीं चलेगा, क्यों सफेद कपड़ा किंतु इसलिए लेकिन ये कपड़ा पहनने पर क्या होगा, अगर कोई गड़बड़ी करने के लिए जाओगे ना, पहले ये कपड़े तुम्हें बाधा देगा, बोले क्या कर रहे हो ए? इसलिए ये लाल कपड़ा पहन करके अगर कहीं गड़बड़ी करोगे ना, ये पहले कपड़े तुम्हें क्या कर रहे हो, उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हो, हैं गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? इसलिए खबरदार साधु सावधान, साधु सावधान। इसलिए प्रभुपाद ने केवल प्रभुपाद ये चीज को प्रभुपाद नहीं, ये पहले से ही आप सब रामायण व महाभारत भागवत देखोगे पढ़े होंगे, जितने सब साधुओं का कपड़ा कैसा है? सफेद कोई है? कोई नहीं। जितने पराशर व्यास जितने सब देखे सबका वस्त्र कैसे है?
गौर के वस्त्र है, ये गौर के वस्त्र मतलब हम लोग ये जो वस्त्र धारण किए हैं ये अनुराग रंग में रंगे हुए हैं, अपना शरीर को ये अनुराग रंग है, इसलिए ये अनुराग रंग में ही हम अपना को रंगा करके रखे हैं। इसलिए इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, क्योंकि भक्ति दो तरह का है, एक राग भक्ति और एक है वैधि भक्ति है। अभी हम वैधि भक्ति जाजन कर रहे हैं, राग भक्ति जब ये स्वाभाविक रूप में आएगा, अगर तुम वैधि भक्ति जाजन ही नहीं कर पा रहे हो, राग भक्ति में अगर उल्टा पुल्टा करते रहोगे फिर ये राग भक्ति में कैसे प्रवेश करोगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने जीवों को धीरे 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 भक्ति मार्ग में धीरे धीरे कैसे इनको वही राग भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण के चरण की सेवा कैसे प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये गौर की वस्त्र प्रदान किया है। इसलिए हम लोगों को हर समय हमें ये गौर की वस्त्र लेकर के हैं, हम लोगों को पहले वैधि भक्ति में धीरे धीरे चलते चलते राधा रानी की सेवा रस में प्रवेश करनी चाहिए। इसलिए ये जो स्थान है, कहते अभी सुन रहे थे ना, ये इसी कुंड में गोपियों ने स्नान किया है, होली खेलने का बाद इसी कुंड में इन लोग ने स्नान किया है। स्नान करने का वजह से वो पूरा जो पानी है ये सब के सब हो गया था गुलाल रंग। कहते साल में एक बार ये पानी अपने आप इसमें गुलाल रंग दिखता है, अपने आप जिसमें होली होता है कहते ये पानी अपने आप गुलाल रंग बन जाती है। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया, जो स्थान है यहाँ पर एक है गांठोली और एक डीग, और ये यहाँ पर एक स्थान का नाम अडीग, एक डीग और ये अडीग है। ये डीग अडीग मतलब क्या है, डीग खाना मतलब है राधा रानी जब मान करती हैं, कभी कभी जब राधा रानी मान करती हैं, इसलिए उनका मान दो तरह का होता है, एक अहितुक मान और एक सहितुक मान। एक मान तो ठीक है, ये जो सहितुक मान, सहितुक मतलब है कारण से, किसी कारण से श्री राधा रानी मान कर लेती है। ये जो मान क्या करता है, प्रेम को बढ़ाने वाले है। अब संसार में देखना, जैसे पति पत्नी रह रहे हैं, आपस में अगर पत्नी किसी कारण से मान कर लिया, मान करके 8-10 दिन तक बात ही नहीं किया, बात नहीं करती है, लेकिन उसको बाद में फिर जो बात करते हैं ना, देखना उसमें एक मिठास आता है, उसमें एक आनंद आता है, क्योंकि कुछ दिन बाद बात नहीं हुआ ना, झगड़ा हो गया, कुछ दिन बाद फिर बात करते हैं, उसमें और एक नया आनंद आता है, नया आनंद आता है। इसलिए जो एक मान है ये प्रेम को ये बढ़ाने वाले, ये एक मान है। इसलिए राधा रानी कभी जानबूझ करके कारण से, कभी कभी राधा रानी निहितुक मान करती है, बिना कारण से मान, बोले क्यों करती है, बोले केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए। इसलिए कभी राधा रानी मान की श्याम सुंदर थोड़ी सी मनाते ही राधा रानी का जो मान डी खा गया, डी खाने का मतलब क्या, उल्टी गया, उल्टी गया मतलब क्या, राधा रानी मान अपना त्याग दे दिया। एक स्थान अड्डी, अड्डी मतलब क्या है, राधा रानी ऐसे दुर्जय मान करती है, श्याम सुंदर राधा रानी के मान को मना नहीं पाते, इसलिए अडीग और अडीग है। इसलिए एक स्थान का नाम बेहज, बेहज मतलब बेहया, बेहज मतलब होता है बेहया। इंद्र जब अपराध कृष्ण चरण में किया, उनको जो पता चला ये भगवान है, वो बेहया बन करके, हाँ बेहया बन करके, ये कृष्ण निर्लज्ज निर्जल्लज्ज बन करके फिर कृष्ण के चरण में उन्होंने शरणागति हुआ। इसलिए जो स्थली है ये संपूर्ण राधा कृष्ण की प्रेम को द्वारा रंजित ये संपूर्ण स्थली है। इसलिए हमारे जो परिक्रमा का ये आज लास्ट दिन, आज लास्ट दिन देखो, आज परिक्रमा का लास्ट दिन, एक महीना आए आकर के मंगलारती में आए, कीर्तन किया, भजन किया, हरि कथा सुने, फिर क्या इसको बाद में जा करके फिर उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दोगे, नहीं। ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, सालों में मैं 3 बार भक्तों को बुला करके चार्ज देता हूँ, चार्जिंग करता हूँ, एक तो ब्रजमंडल परिक्रमा, एक गौड़मंडल परिक्रमा और एक ही रथ यात्रा में। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सालों में 3 बार भक्तों को बुला करके उनको चार्ज देते थे। पहले घड़ी होता था ना, उसमें एक बार चाबी दे दो तो वो 24 घंटा चलता था, उसके बाद में फिर क्या करते थे, फिर उसमें चाबी देते थे, फिर 24 घंटा चलता था। वो बोलते थे जैसे 1 महीना तक भक्तों का संग में आए, हरी कथा सुने, प्रसाद पाए, कीर्तन किया, अभी गुरु वैष्णव आपको चाबी लगा दिया, अभी आपको चाबी लगा दिया, ये चाबी कितना दिन तक चलनी चाहिए, अभी तक ये चाबी चलनी चाहिए नवद्वीप परिक्रमा तक, ठीक है ना, नवद्वीप। अब गुरुदेव कहते थे देखो जब दूसरा बार आओ ना, एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को लेकर के आना, एक एक व्यक्ति कितना लोगों को लेकर के आओगे, 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आओ, मतलब जब प्रचार करोगे तो अब 10 व्यक्ति को लाओगे ना, 10-10 व्यक्ति अभी नवद्वीप में सबके सब
एक एक व्यक्ति 10-10 भक्तों को लेकर गाना, अभी से प्लेन में अगर टिकट बना दोगे ना 2000 रुपया में बन जाएगी, अभी से ही प्लेन में टिकट बना दो, ये ट्रेन का टिकट के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और सबको लेकर के आओ। हाँ, और एक बात कहते थे, यहाँ पर एक महीना तक आप लोग रहे, एक महीना तक साधु संग किया, हरी कथा सुने, प्रसाद पाए, फिर तब वो कहते थे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, एक दिन सबको सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सन्यासी मतलब संसार का विषय को संपूर्ण न्यास करके संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में डूबना, भक्ति रस में एक दिन सबको सन्यासी बनना ही पड़ेगा। जब तक सन्यासी ग्रहण नहीं करते हो तब तक ही भव सागर से पार नहीं हो सकते हो, इसलिए एक दिन सन्यासी अंतिम स्थान है, इसलिए सम्यक रूप में काय मान और वाक्यों के द्वारा कृष्ण सेवा करना एक दिन ही पड़ेगा ही, ऊपर से हो और अंदर से हो सन्यासी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा में गौरव मंडल परिक्रमा में आदत क्या डलाया, बोले एक महीना आकर मंदिर में रहे, मतलब धीरे धीरे घर को छोड़ना, धीरे धीरे संसार को त्याग देना, देख रहे क्या करना, अभी गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अभी रहना, अभी गुरु वैष्णव, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे स्वभाव बने जिस दिन संपूर्ण रूप में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुच, एक दिन ऐसे आए सारे धर्म को छोड़ करके एक कृष्ण भक्ति धर्म में एक दिन संपूर्ण रूप में गोता लगाना, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे। इसलिए 3 साल में 3 बार बुला करके चार्ज करके धीरे धीरे संसार का आसक्ति को कम करना और गुरु वैष्णव का प्रति ठाकुर का प्रति आसक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना, और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसे बढ़ाना संपूर्ण सन्यासी बन करके, जैसे तीरथ महाराज, बन महाराज, माधव महाराज जैसे सन्यासी बन करके संपूर्ण गुरु वैष्णव सेवा में संपूर्ण आत्मसमर्पण किया है। अभी घर में जा करके रोज मंगलाती करना, टाइम से उठना, कीर्तन करना, हरि कथा सुनना, संपूर्ण ये भक्ति धारा को अभी कंटिन्यू लगाते रहना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से वैष्णव को गुरुदेव कहते थे, जब घर में जाओगे ना कोई पूछेगा बोले भैया कैसे रहे हो, कैसे खाए हो, ये बोलना नहीं, तीरथ महाराज ने बढ़िया बढ़िया खाना नहीं खिलाए। पहले हमारा जो परिक्रमा होता था ना उसमें केवल मूली मूली कूड़ा मूली मूली, लेकिन जब से हमारा तीरथ महाराज है उसको पहले कोई संभालता था, लेकिन जब से तीरथ महाराज संभाले ना बस रोज रोज भंडारा हो रहा है, रोज रोज चका जाओ तीरथ महाराज की। इसलिए जब से तीरथ महाराज आए बढ़िया बढ़िया सब्जी, कीमती कीमती सब्जी, चकाचक सब्जी, पनीर, कल आइसक्रीम बोला ना आइसक्रीम पनीर का सब्जी चकाचक, लेकिन लेकिन नियम है ये नियम सेवा में किसी तरह से ना साधारण रूप में खा करके, साधारण रूप में खा करके भजन करनी चाहिए, ज्यादा 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 भजन करनी चाहिए, ठीक है ना, कम खा करके भजन के। लेकिन तीरथ महाराज जी बड़े दयालु कृपालु वैष्णव लोग है, इनके राज्य में तो चकाचक प्रसाद, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाओ। हाँ, पहले ऋषि मुनि लोग किसी तरह से खाकर भजन करते थे, लेकिन वैष्णव को दयालु है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद दे करके किसी तरह से हरि कथा सुनो, कथा सुनो और भगवान की भजन करो। इसलिए आप लोग गुरु वैष्णव से हाँ बोलना, घर में जाकर के बढ़िया बढ़िया प्रसाद दिया, बढ़िया जगह में रहे, बढ़िया बोलना नहीं हमें सोने को ठीक से मिला नहीं, खाने को ठीक से मिला नहीं, नहीं तो फिर कोई आएगा नहीं। इसलिए सबको हाँ भक्ति प्रज्ञान के सबको सभी महाराज कहते थे, जाकर के इतने प्रशंसा और इतने बढ़ाई करना जैसे एक एक व्यक्ति 10-10 भक्तों को लेकर के आए और संपूर्ण ब्रज मंडल परिक्रमा को और भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बढ़िया से बढ़िया हो, ठीक है। अभी तीरथ महाराज ने गुलाल बुलाया, अभी सबके सब देखो हरे कृष्ण, इसलिए सबके सब देखो कहते ना मधुरे न समापयेत, बताए ना लास्ट में बंगला लोग क्या खाते हैं, मिठाई मिठाई रसगुल्ला दही खाते हैं ना, इसलिए मधुरे न समापयेत, मधुर को द्वारा समाप्त करनी चाहिए, और मधुर मतलब आनंद से, और आनंद होली में जो आनंद है कहते फिर तटस्थ विपक्ष सपक्ष नहीं, फिर तो पुरुष स्त्री नहीं सबके सब एक हो जाते, इसलिए लेकिन अभी हाँ अभी जोर शोर से महाराज गुलाल मंगाए, अभी हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके फिर गुलाल खेले करके फिर वापस जाएंगे, ठीक है। बोले श्री होली के रसिया की, बोले श्री होली के रसिया की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बन महाराज की।